नमस्कार, आप देख रहे हैं HBN न्यूज। पूरे परिवार को मिल सकती है पेंशन, तो चलिए आप भी इस रिपोर्ट के जरिए जान लीजिए कि कैसे फैमिली पेंशन से उठा सकते हैं फायदा। कंपनियों और संगठित क्षेत्र में काम करने वाले कर्मचारियों के लिए श्रम मंत्रालय के अधीन आने वाला कर्मचारी भविष्य निधि संगठन PF और पेंशन स्कीम चलाता है। PF के लिए कर्मचारी हर महीने अपने वेतन में से कुछ हिस्सा जमा करते हैं और उतना ही कंपनी भी जमा करती है। कंपनी जो हिस्सा PF में जमा करती है उसका कुछ हिस्सा एम्प्लॉई पेंशन स्कीम में भी जाता है। इसके जरिए ही कर्मचारियों को रिटायरमेंट के बाद पेंशन मिलती है। EPS से न सिर्फ कर्मचारी को बल्कि उसके परिवार को भी इसका फायदा होता है। कोरोना काल में अगर किसी कारणवश EPF मेंबर की मृत्यु हो जाती है तो उसके परिवार यानी पत्नी या पति और बच्चों को भी पेंशन का फायदा मिलता है। इसे फैमिली पेंशन भी कहा जाता है। चलिए आपको बताते हैं कि कब मिलती है पेंशन। पेंशन का फायदा उठाने के लिए कर्मचारी को 10 साल लगातार नौकरी करना जरूरी है। इस पेंशन स्कीम में सिर्फ कंपनी का ही योगदान होता है। ये PF में कंपनी द्वारा किए जाने वाले 12% योगदान का 8.33% होता है। पेंशन में सरकार भी योगदान देती है जो बेसिक सैलरी के 1.16% से ज्यादा नहीं होता। EPF सदस्य रिटायरमेंट के अलावा पूरी तरह से डिसेबल हो जाने पर भी पेंशन का हकदार होता है। EPF ने फैमिली पेंशन के लिए 10 साल की सर्विस की होना जरूरी है। कर्मचारी तभी पेंशन का हकदार होता है जब वह 10 साल का नौकरी कर ले। ब्यूरो रिपोर्ट HBN न्यूज़।